ट्रेन में 10 मिनट आ चुका हूँ, पीछे देख लो मेट्रो यहाँ से भी मेरे को जाना शास्त्री नगर, फिर वहाँ पर जाके रेलवे स्टेशन पर जाना। वहाँ यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया बैठे बैठे, अभी तो घनश्याम आया नहीं, देखते कितने टाइम लगेगा। वैसे आ ही रहा रास्ते में भाई, मौसम देखो यहाँ का, देखना कितना तगड़ा मौसम है भाई। अभी तो घनश्याम नहीं आया, सीट घेर के रखी है, जाएगी पूरी सीट, तो देखते भाई कितनी देर में आता है भाई। सुबह आना है, आप अलग ही मजा, 5 बज रहे और आरती हो रही है भाई, इससे अच्छा और क्या होगा, चलते हैं वहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुषार बैसवा ब्लॉग के साथ। तो गाइज, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज हम फिर से जा रहे हैं भाई खाटू श्याम मंदिर। ट्रेन दिल्ली टू खाटू श्याम हम जाएंगे और आपको बताएंगे भाई कैसे जा सकते हैं, मतलब ट्रेन से ही जा रहे हैं वैसे तो कैसे जाएंगे। बाकी भाई अभी हमें निकलना है जल्दी, मैं और घनश्याम जा रहे हैं, अभी मेरे को घर यहाँ से निकलना है, टाइम देखो 3 बजने वाले हैं। और मैं जाऊँगा भाई क्योंकि मेरी यूट्यूब पेमेंट आई थी गाइज, तो मेरे को वहाँ पर जाना था, प्रसाद चढ़ाना था अपने यूट्यूब पेमेंट का, तो अभी मैंने सोचा कि वहाँ पे जाया जाए और आज टिकट बुक थी, तो अभी यहाँ से चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से और मिलवाते सीधा घनश्याम से रास्ते में। तो अभी यहाँ से चलते हैं, फिर आपको पूरी ब्लॉग दिखाएंगे, पूरी जर्नी दिखाएंगे। तो चलो भाई बैग वगैरह रेडी करके चलो। तो भाई ये ले लिया हमने बैग, ये रहा हमारा बैग, और अभी हम जाएंगे भाई और आपको बताएंगे कहाँ से कैसे जाते हैं। अभी भाई ये हमने बैग वैग पैक कर लिया है, तो अभी जाते हैं सीधा रास्ते में, आपसे मिलते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं पहले जल्दी। चलो भाई अभी आगे मेट्रो घनश्याम निकल गया है वहाँ से, और अभी हम जाएंगे सीधा शास्त्री नगर, तो वहाँ पे चल के मिलेंगे, सीधा घनश्याम से मिलवाएंगे आपको। तो भाई मैं 10 मिनट आ चुका हूँ, पीछे देख लो मेट्रो यहाँ से भी मेरे को जाना शास्त्री नगर, तो वहाँ पे जाके रेलवे स्टेशन पे जाना, वहाँ पे जाकर मेरे को घनश्याम, तो अभी चलते हैं यहाँ पे पीछे मेट्रो का वेट करें, जैसे आते हैं यहाँ से चलता हूँ। भाई मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन, मेरे पीछे है, अभी घनश्याम का वेट करते हैं भाई कितनी देर में आता है, चलेंगे हो गया बैठे बैठे, अभी तो घनश्याम आया नहीं, देखते हैं कितने टाइम लगेगा, वैसे आ ही रहा रास्ते में भाई। मौसम देखो यहाँ का, देखना कितना तगड़ा मौसम है भाई। अभी तो घनश्याम नहीं आया, सीट घेर के रखी है, नहीं जाएगी पूरी सीट, तो देखते भाई कितनी देर में आता है, कह रहा रास्ते में आ रहा हूँ भाई, बस सीन ना हो जाए, लेट ना हो जाए वो, वरना ही चलने वाली है अब थोड़ी देर में, तो देखते क्या होता है। अब बताओ भाई कहाँ से हो? बैठो, अब बताओ कहाँ से हो? मैं MP में। कहाँ से? जिला क्षेत्र से। पता है मेरे साथ ही मेरा दोस्त आ रहा था MP से, पर वो आया क्यों, छोड़ के चला गया था, मतलब उसके आधे आधे रास्ते आया, आधे रास्ते में फोन ऑफ कर दिया, फिर मेरे को अकेला आना पड़ा। और बताओ कहाँ जा रहे हो? खाटू श्याम जा रहे हो? तुम कहाँ पे जा रहे हो? मैं भिलवाड़ा। भाई नए दोस्त बने भाई हमारे, टैटू दिखाना भाई हमारा, टैटू बड़ा कैड़ा भाई, शेर ही कहते शेर चावल। भाई रिंग सुधर चुके हैं, देखो पीछे भीड़, और आज भाई मैं खेलूंगा, बता दो क्या सीन हुआ है वो। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका था रिंगस रेलवे स्टेशन, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है बाबा का द्वार, तो वहाँ पे चलेंगे। उससे पहले ये रिंगस का बोर्ड है, राइट साइड में हमें जिप्सी मिलेगी जो हमें सीधा छोड़ेगी द्वार के पास, बाबा के द्वार के पास। ये कुछ वहाँ का व्यू है भाई, रात के 1 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। उसके बाद भाई यहाँ से सीधा मैं बैठा जिप्सी में, उसके बाद मेरे को मिल गई थी भाई फाइनली जिप्सी, उसके बाद मेरे को सीधा जाना है बाबा के द्वार पे, तो अभी चलते हैं। तो भाई रात को मैं यहाँ पे अकेला आ गया था क्योंकि भाई घनश्याम की छूट गई थी ट्रेन, और भाई ये है कुछ जो मैंने रात को रूम लिया था, मेरे को जुकाम भी हो गया इसी के कारण भाई, ये रहा देखो, ये कुछ यहाँ पे बेड है, TV था जो मैं देख रहा था भाई, फिर सो गया था मैं, और ये तुम्हारा वो है फ्लोर है। अब यहाँ से चेकआउट करते हैं, यहाँ से चलते हैं भाई। रात को घनश्याम का क्या हुआ था, मैं जब मतलब मैं ट्रेन में चढ़ गया था, घनश्याम कह रहा था मारो, और भाई उसकी ट्रेन हो गई लेट, और भाई मैं चढ़ गया, मतलब मैं सीधा चला गया, और अब मैं क्या कर सकता भाई, उसकी ट्रेन छूट गई, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो मैं अकेले ही आ गया क्योंकि भाई मैं पहले भी काफ़ी बार रात को, अभी भाई सुबह की 4 बजे रहे, अभी 4 बजे रहे, और भाई मैं जा रहा हूँ सीधा दर्शन करने के लिए, बैग वगैरह सब मेरा रेडी है, मुँह वगैरह धो लिया मैंने एकदम, कोई ऐसी सो गया था मैं वहाँ पर आगे, मुझे नींद आ रही थी बहुत ही, नीचे गया था पानी भी गया और चला गया फिर, अभी चलते भाई बैग वगैरह पैक है एकदम, तो चलते दर्शन करेंगे और आपको उसी से दिखाएंगे भाई, नहीं होगा क्योंकि भाई 4 बजे
चार बज रहे अभी, तो चलते हैं भाई। प्रसाद लेने आया हूँ और प्रसाद ले रहे हैं अंकल जी से, तो भी प्रसाद लेता हूँ यहाँ से फिर चलता हूँ। गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ सकता है भाई। ये ले लिए प्रसाद और ये देखो यहाँ पे सुबह का कुछ बजा रही है ना, सुबह 5 बजे का, और अभी आरती हो रही है भाई, अंदर लाइन में चलते हैं भाई। सुबह आना है यहाँ पे, अलग ही मजा, 5 बजे और आरती हो रही है भाई, इससे अच्छा और क्या होगा। अभी चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं दर्शन कराते। तो गाइस फाइनली प्रसाद लेके मैं लग चुका था लाइन में, और भाई सुबह का टाइम था तो आरती भी हो रही थी, 5:30 बजे के आसपास यहाँ पे आरती होती है भाई। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुबह के टाइम दर्शन करना, और आरती में लोग वगैरह सब खड़े थे, तो भाई लाइन देखो भी यहाँ पे रुकी हुई है, तो भी हमें आगे जाना है और आराम से चलते हैं भाई, पूरा मतलब आपको अच्छी तरह दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर आरती हो रही थी तो उसके कारण भाई म्यूज़िक भी चल रहा था, उससे कॉपीराइट का डर है, तो अभी आप आगे चलते हैं भाई, आपको लेके चलते हैं और आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं बाबा के। भाई यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लग रही, सुबह आरती का समय था तो अच्छे दर्शन हुए काफ़ी ज़्यादा। बाकी ये देखो यहाँ पे, और अब यहाँ से चलता हूँ बाहर की तरफ, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है भाई, देख रहे हो सुबह का 5 बजे अभी भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा दर्शन करके, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है भाई। देखो अभी इतनी ही भीड़ है यहाँ पे, देख रहे हो ये प्रसाद वगैरह की दुकान है, मेरे को तस्वीर लेनी है, वो ढूंढ रहा हूँ मैं कहाँ से ली जाए। बाकी भीड़ देखो सुबह के 5 बजे की भीड़ है भाई, इतना क्रेज है बाबा का, देख रहे हो भाई। अकेले आके यही है भाई दर्शन अच्छे गाइस। दर्शन करने के बाद मैं निकल चुका हूँ थोड़ा बाजार घूमने के लिए, और यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब म्यूजिक वगैरह चल रहा था, तो उससे भी कॉपीराइट का डर था। और ये सुबह की आरती हो रही थी तो उस समय भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीकर वगैरह चलते हैं, मतलब गाने वगैरह चलते हैं, तो अभी देखो भाई सुबह का कुछ इस तरीके का व्यू है भाई, कितना अच्छा लगता है हमें सुबह घूमने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और भीड़ तो भाई सुबह भी मतलब बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि सुबह की आरती होती है ना, तो उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये है कुछ भाई यहाँ का व्यू सुबह का, तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा रेलवे स्टेशन। तो पहुँच चुका हूँ मैं, ये देखो अभी यहाँ से भाई मैं सो गया था भाई, टैक्सी मारता था सो गया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई। ब्लॉग नहीं बन पा रहा मेरे, घर जाके मिल रहा हूँ।